हेलो दोस्तों, जब भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कोई मुकाबला खेला जाता है तो अनेकों रिकॉर्ड्स खिलाड़ियों के साथ साथ टीम अपने नाम करती है। साधारणतः हर एक मैच में कुछ न कुछ नए रिकॉर्ड्स बनते हैं और इन्हीं रिकॉर्ड्स के बीच कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड बन जाते हैं जिनका टूटना शायद न के बराबर ही होता है। दोस्तों, वैसे तो वर्ल्ड क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटरों का दबदबा काफ़ी लंबे समय से रहा है, परंतु आज इस वीडियो में मैं ऐसे अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो अपने आप में ही अजूबा है और शायद हो सकता है कि यह रिकॉर्ड लंबे समय तक बना भी रहे। फ्रेंड्स, 9 बार अंतिम गेंदों पर छक्का लगाकर मुकाबला खत्म करने का रिकॉर्ड पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम है और उनके इस रिकॉर्ड के इर्द गिर्द भी कोई खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों, टेस्ट और वनडे क्रिकेट के पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शतक लगाने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के मौजूदा भरोसेमंद विकेटकीपर एवं बल्लेबाज लोकेश राहुल के नाम पर है और क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट के डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। साथियों, बात जब तीसरे रिकॉर्ड की करें तो यह अनोखा रिकॉर्ड भूतपूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पठान के नाम पर है। साल 2006 में उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट के पहले ओवर में ही हैट्रिक विकेट चटकाया था। इरफान पठान के अलावा ऐसा कारनामा आज तक कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया है। दोस्तों, रिकॉर्ड्स के बादशाह सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता और इस मामले में वो तो बहुत आगे हैं। उनके द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 100 शतकों का रिकॉर्ड किसी पहाड़ जैसे रिकॉर्ड से कम नहीं है और इसके आसपास तो अभी कोई खिलाड़ी भी नहीं है। इस कड़ी में हम वीरेंद्र सहवाग को कैसे भूल सकते हैं। उनके द्वारा बनाए गए टेस्ट में ट्रिपल शतक और वनडे में दोहरा शतक भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है, यानी ऐसा कारनामा करने वाले वो विश्व के एकमात्र बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी हुई रोचक जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।